Archives of Prasar Bharati presents The Timeless Treasure of Golden Era. अपने घर से घर बचावे दूजे दा है ना चला अरे निजेर खे ओनेर मोष चोड़ाए निजेर घोर ना बचिए ओनेर घोर बचाते जाए मने गे उपकारे पूरी गे उपकारे मैं ये सोच रहा हूँ कि चलो कार ले ली ठीक है, वेडिंग एनिवर्सरी की अच्छी बात है, मुबारक हो जी, लेकिन केक आ गया वो भी अच्छा है, लेकिन वेडिंग एनिवर्सरी में इतना सारा खर्चा। ये देखो छोटी मैम साहब को लिफाफा छोड़ गई किसी खाते। लिफाफा ला तो, कैसा लिफाफा है ये? मैं ऐसे बहुत बार पढ़ चुका हूँ, मेरी तो समझ में नहीं आता इसका मैटर। कंचन खुद चिट्ठी लिख के गई? जी हाँ। अगर एक बार ये बात बाहर फैल गई ना तो आप देखना इसका असर बहुत बुरा होगा। एक घर की बदनामी होती है तो पूरा मोहल्ला बदनाम होता है, मोहल्ला बदनाम हो जाए तो शहर बदनाम होता है, शहर बदनाम हो जाए तो देश। कैरी ऑन बेटे, कैरी ऑन। अरे मिस्री और मिश्रा फिर एक साथ। पड़ोसी होने के नाते आपकी फिक्र करना मेरा फर्ज है। आप अपनी फिक्र कीजिए भाई साहब, शेखर पर मेरी बेटी नहीं आपकी बेटी लट्टू हुए जा रही है। मंडली तो बनाना है मुझे और फिर संन्यास ले लेना है। सुन लिया प्रिय फकीर चंद जी, आप अगर फकीर हैं तो मैं जोगन हूँ। ये दूसरी जोगन कौन है? ये दुनिया हम दोनों के रहने लायक नहीं है, मर पड़ा जाके। मेरे प्यारे फकीर चंद जी, मुझे समझ नहीं आती कि मैं अपने मन की बात कहां से शुरू करूं। हाय गुरप्रीत, मेरी तो किस्मत टूट गई गुरप्रीत, पता नहीं मेरी किस्मत में और क्या क्या देखने लगा है, ये कहीं कौन है जी, क्या किया। ओए एडीसी गिलार, वो कहां से ले गया तू सैंपल? ये वो बोलता नहीं, मैंने भिजवाए हैं। आपने अभी कोई कसर बाकी थी क्या? मैंने बहुत कोशिश की कि मैं अपने मन की बात सही ढंग से लिख सकूं, पर कोई अच्छा आइडिया ही नहीं मिला, इतने सारे कागज वेस्ट हो गए। लेकिन बात असली इतनी सी है, ये जो कहना चाहती हैं वो इसमें लिखा है, लो पढ़ लो। आदरणीय भाई, भाई आदरणीय भाई फकीर चंद जी, कल शाम की बात के लिए मुझे खेद है, आशा है आप मुझे क्षमा कर देंगे। मैं कामनी से भी माफी मांगना चाहूंगी, प्लीज आप उसे बुला दीजिए। भाई ये तो बहुत अच्छा खासा लतीफा बन गया। संभालो। अरे विमला देख तो सही कौन है, भेज दे। मल्होत्रा जी अब तो सारी बात साफ हो गई ना। क्या बात साफ हो गई? हाँ झूठ के पांव नहीं होते, इसीलिए पकड़ा जाता है। अजी हमारे पास तो हमारी बात का सबूत मौजूद है, तभी तो हमारे सामने आने की हिम्मत नहीं हो रही किसी की। है आंटी हिम्मत है, मुझसे पूछिए, मुझसे कहिए क्या कहना है आपको। आपने तो खामखा पूरे ब्लॉक में वायरल फैला दिया। आपको अगर कोई गलत फहमी हुई थी आप सीधा मुझे बुलाकर मुझसे पूछती। हाँ क्या पूछती तुमसे? हाँ क्या पूछती,
अरे अभी हम में थोड़ी शर्म है या बाकी है, और मैंने भी ऐसा कुछ नहीं किया जिसमें मुझे कोई शर्म महसूस हो। तो फिर ये क्या है? चिट्ठी है। किसकी चिट्ठी है? मैं नहीं जानती। अरे इसी की चिट्ठी है जो इसने शेखर को लिखी है। क्या बात करती हैं आंटी, मैं भला शेखर को चिट्ठी क्यों लिखूंगी? अच्छा तो इस लिफाफे को तो पहचानती होंगी। इस लिफाफे के लिए तो मैं कब से परेशान हो रही हूँ। हाँ परेशान क्यों नहीं होगी, इसमें पड़ी चिट्ठी हमारे हाथ जो लग गई। उस दिन टेलीफोन करने के बहाने यहाँ आई और चुपके से चिट्ठी यहाँ छोड़ गई। बस करिए आंटी जी, तभी कहते हैं कई बारी कानों सुनी और आंखों देखी बात भी सही नहीं होती। ये चिट्ठी बंद लिफाफे में, मैं नहीं जानती इसमें क्या लिखा है। ये लिफाफे में खुद 8-10 दिन से ढूंढ रही हूँ। आपसे बात कर नहीं सकती थी इसलिए बार बार शेखर को पूछती थी। चालाक बनने की कोशिश मत करो लड़की, उस दिन तुम टेलीफोन करने के बहाने आई और चुपके से चिट्ठी यहाँ छोड़ गई, और इसमें तुमने सारी बातें इस तरह लिखी कि पढ़ने वाले को पता ही न चले कि लिखने वाला लड़का है या लड़की। और जिसको तुम फोन करने आई थी वो कौन था? माय डैड। डैड? हाँ, ये चिट्ठी भी मेरे डैडी की है, मम्मी के लिए। मैं नहीं जानती उन्होंने चिट्ठी में क्या लिखा है। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि उन दोनों में सुलह हो जाए और हम सब फिर इकट्ठे रहने लगे। उस दिन मैं डैडी से ही तय करके आई थी कि मंडे को मिलूंगी, लेकिन कॉलेज में एक्स्ट्रा क्लास होने की वजह से उनसे मिलना पॉसिबल ना था और उन्हें इन्फॉर्म करना भी जरूरी था, सो आपके यहाँ से फोन किया। ये लिफाफा मेरी बुक्स पे था, फोन करते वक्त यहाँ कब गिरा मुझे पता ही नहीं चला। और आंटी आपने भी बेकार खामखा इतनी सी बात का पतंगड़ बना दिया। शर्म आनी चाहिए हमें। अरे बिना जाने समझे एक बच्ची पर इतना गलत इल्जाम, ये तो वाकई शर्मनाक बात है कि हम लोग बिना जाने समझे ये सब क्यों कर गए। अरे कम से कम उससे पूछा तो होता कि उसकी गलती क्या है। उसने एक चिट्ठी यहाँ छोड़ी और हमने इतने बड़े बड़े इल्जाम लगा दिए। आज तो इस बात का खुलासा हो गया, अगर कहीं नहीं होता तो ये बच्ची तो टूट जाती, ये तो खुदकुशी भी कर सकती थी। और अगर ये खुदकुशी कर लेती तो रमा का क्या होता, उसका तो पति भी नहीं है, वो भी अपने आप को खत्म कर लेती। हमारी एक छोटी सी गलती की वजह से दो जाने जाती। नहीं आइंदा हमें सोच समझ कर कोई कदम उठाना चाहिए। और तुम्हारे फूल से चेहरे देखकर तरस आता है, मगर तुम तरस के काबिल नहीं हो। लेकिन हमने किया क्या है? इसका मतलब रमाई सच कहते थे, तेरा इनके साथ चक्कर क्या है? ये लुकड़ मीठी का खेल कब से चल रहा है? जब से सर कॉलेज खुला। इधर कॉलेज खुल गए, इधर ऋषि खुल गया, जैसे पारगर्मी के बाद खुआर पनीर खुल जाता है। क्या अंकल आप तो मजाक कर, आप क्या जानो इसका सवाल? ना हमारे समय में तो मलाई के डूने होते ही नहीं थे, हम तो पैदा होते ही सरकारी बाबू भर्ती हो गए थे, हम पर तो जवानी आई नहीं ना बेटे। और जवानी की रवानी को रोको ना, तुम पर कोई अनोखी जवानी आई है, हैं? और जवानी तो हम पर भी आई थी इस सवाल में, हम तो ऐसी बेवकूफियां कभी नहीं करते थे। और तुम दोनों अपने माँ बाप की आंखों में धूल झोंक रहे हो, और शर्म करो और डूब मरो, कहीं डूब मरो ना। तुम दोनों को दर्शन दीदार के लिए बस एक बस स्टॉप ही मिला था, वो मिलना ही था तो कहीं और मिलते, वो गन्ने के खेत में मिलते, क्यों जी? हाँ जी, वो ट्यूबवेल के कोठे पे मिलते या तूड़ी के कुप में मिलते। तूड़ी का कुप? वो कुप नहीं होता, वो तूड़ी का कुप और जिसमें किसान गेहूं की भूसी भरने के लिए जमीन पर कितना बड़ा सा टोपा बना देते हैं, और जिसमें कड़ाके की ठंडी रात में भी सर्दी नहीं लगती, क्यों जी? हाँ जी। कभी इसे वाल चलना, फिर दिखाऊंगी तुझे। उफो आंटी, आप और आपका इसे वाल। अब भला इस शहर में आपके इसे वाल के गन्ने के खेत, ट्यूबवेल के कोठे और वो तूड़ी के जो भी होते हैं कहाँ मिलेंगे? और तभी तो बस स्टॉपों पर मिलते हो, और तभी जो इश्की डेंट हुआ ना फिर, और तुम्हारे बाप की इज्जत का तो फ्रैक्चर हो गया ना पूरे ब्लॉक के सामने, बेवकूफ कहीं की। तो चल तू अंदर चल, तेरी तो खबर मैं अंदर जाके लेती हूँ ना, और इधर तो ये दोनों तेरे को बचा लेंगे, चल।
चल चल चल। ओए तू क्या जा रहा है, बैठ जा। जिधर हो जाएगी तेरा जाना जरूरी है, वो बस स्टॉप पे जाएगा तू भी जाएगा, वो बाल कोने पे जाएगा तू नीचे खड़ा होगा। शर्म नहीं आती? कोई ख्याल नहीं माँ बाप का? पहले पढ़ाई खत्म करो बेटे, उसके बाद कोई और सोचना। तो क्या उसे सिर्फ बालकनी से देखकर जी भरना होगा? ये जी जो कुछ नहीं होता बेटे, ये जो लड़कियां होती है ना शादी से पहले चंद्रमुखी दिखाई देती हैं। और शादी के बाद? सूरजमुखी। और उसके बाद? ज्वालामुखी। बस बस आगे मत बोलना। अब तू बोल, क्या है वो लड़का, और उसमें कोई गुण भी है कि ऐसे सेंटिमेंटल हुई जा रही उसको देख देख कर ही? अब बोल ना, क्या देखा तूने उसमें? जी वो सुंदर है। हाँ, फिर? जी वो इंटेलिजेंट है। चलो ठीक, खाते पीते घर के इकलौते लड़के हैं, इकलौते वारिस। और ये की ना तूने सियाणी गल। और थोड़े से? क्या थोड़े से? मेरा मतलब है थोड़े से सीधे भी हैं, जो चाहती हूँ मनवा लेती हूँ। अरे वाह रे लड़की, तू तो बड़ी समझदार निकली, और मैं तो तुझे बेकार ही बेवकूफ समझे जा रही थी, और बच्ची समझकर तुझे समझाने चली थी। तू तो बड़ी समझदार निकली। अब इस बात को सारी जिंदगी हमेशा अपने पल्लू से बांध कर रखना, अब मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। ना ना ना, इस मामले में तेरा साथ नहीं दूंगा, क्योंकि मल्होत्रा जी ने मेरे जिम्मे ड्यूटी लगाई है कि मैं तुझे समझाऊं। प्लीज अंकल, जरा अपना जमाना याद करो, कैसे आपको दिल करता था मिलने को, पैसे वाल के खेतों में, वो ट्यूबवेल के कोठे में, वो तूड़ी के कुप में जिसमें ठंड नहीं लगती। अंकल कितना मजा आता होगा। अब अंकल आप भी दलीप कुमार से अमरीश पुरी मत। बस बस मत का मत लगा, सोचने दे कुछ। अब देख, इस बात की कानों कान किसी को खबर नहीं होनी चाहिए, वरना सरला बहन जी मुझे उलाना देगी। मैंने तो तुझे कहा था लड़की का ध्यान रखो, इसे समझाओ कुछ, और तूने उल्टे बांस बरेली भेज दिए। थैंक यू आंटी, थैंक यू वेरी मच। ईश्वर आपको इस सवाल वाले उस सारे दिन फिर से दिखाए। ओ बस वो ठीक है, वो ठीक है, वो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देख, आज के बाद वो बालकोनी वाली खिड़की पे कभी नहीं बैठना, ठीक? और वो बस स्टॉप पर भी खड़ी नहीं होना जाकर। पर मैं कॉलेज के लिए बस कहाँ से लूंगी? ईसेवाल से। और ईसेवाल के लिए बस कहाँ से लूंगी? मेरे घर से। लड़की का बाप होना बहुत मुश्किल है करनैल, लड़की का घर में होना साक्षात चिंता का होना है। लो हो गए शुरू, लगता है आज हमारी कामनी बिटिया की बारी है, खुदा खैर करे। अरे यार तू नहीं समझेगा यार करनैल, अरे बेटी का बाप होना सबसे बड़ी मुश्किल है। माली की तरह पौधे को पहले आंधी तूफान सर्दी गर्मी बरसात से बचाओ, फिर जब पौधा परवान चढ़ जाए तो अपनी माली हालत की चिंता करो कि भाई शादी के वक्त पैसे होंगे कि नहीं होंगे, वर अच्छा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, घर अच्छा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और जब घर बस जाए तो जिंदगी भर यही मन्नतें मांगते रहो कि हे भगवान बेटी के घर से कोई उल्टी सीधी खबर ना आए। सच्ची, बेटी का बाप होना तो फिक्रों के ढेर के ऊपर बैठने के बराबर। यार एक चीज खाते खाते आदमी को बदहजमी हो जाती है, एक ही जगह रहते रहते आदमी का मन उब जाता है। तू है कि गली फिक्रों वाली से बाहर नहीं निकलता। पर जाए जी इन्हें समझाए, ये जो तियां होती है ना ये रब की दात होती है, राजा हो जा रंग, आज तक किसी की बेटी घर बैठी रही है क्या? अरे गरीब आदमी अपनी बेटी की सिर्फ फिक्र ही कर सकता है करनैल। तो फिक्र करके तू पटवारी ढूंढ लेगा बेटी के लिए? बस बस बस, ये इससे वार वालों को पटवारी के आगे कुछ नजर भी आता है, अगर फिक्र नहीं करूंगा ना तो पटवारी भी नहीं मिलने वाला। तो फिक्र करके तू गवर्नर जनरल भी ढूंढ लेगा। यार मैं तुझे बहुत बार बोल चुका हूँ कि जिंदगी में पहले ही बहुत टेंशन है, इतना मत सोचा कर। तू है कि भैंस की तरह पानी से बाहर नहीं निकलता। सियानों ने कहा है कि माली चाहे 100 घड़ा सींच ले, पौधे को मौसम आने पर ही फल लगता है। बस तो फिक्रें भी फिर यही दो चीजों की है। अरे इस महंगाई के जमाने में सींचने के लिए 100 घड़ों का इंतजाम कहां से करेंगे, और कब तक ये मौसम का इंतजार करेंगे कि अच्छा मौसम आएगा और कब पौधे में फल लगेंगे। लेकिन हर वक्त समाधि लगाकर सोचने से भी तो कुछ नहीं होगा ना, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, अरे वो करने के लिए तो यह फिक्र करने बैठे, तुम जाओ आप सोच लेंगे। अरे कभी तो ठीक से बात कर लिया करे। करनैल अंकल, इस मुहावरे का जरा वाक्य तो बनाइए। बोलिए बेटा। भैंस के आगे बीन बजाना। मुहावरा ये नहीं है कि भैंस आगे बीन बजाना, मुहावरा ये है कि फकीर चंद के आगे बीन बजाना। यार करनैल तू कभी तो सीरियस हो जाया कर यार, अगर मैंने पहले फिक्र की होती ना तो पूरे मोहल्ले में मेरी बेटी का नाम लेकर मेरी टोपी उछालने की जरूरत ना करता कोई। यही हुआ कि मैंने पहले फिक्र नहीं,
ते फिक्र करके तू कौन सी तोप चला लेता, अपनी किस्मत बदल लेता। बस 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 यही कमी है हम लोगों में कि पहले तो अपने घर की फिक्र नहीं करते, फिर अपने मोहल्ले की फिक्र नहीं करते, फिर अपने शहर की फिक्र नहीं करते, फिर अपने मुल्क की फिक्र नहीं करते, बस भाग्य की व्हील चेयर पर बैठ जाते हैं और ये सोचते रहते हैं कभी कोई आएगा, हमें धक्का मारेगा और हमें कहीं ना कहीं तो पहुंचा ही देगा। चिंता किसको है, चिंता करने की जरूरत भी क्या है। ये तो पता नहीं कब क्या करेंगे, मुझे तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। हाँ ये ठीक रहेगा, आदरणीय भाई साहब। पागल हो जाऊंगा, पागल हो जाऊंगा। अरे तुमने कम से कम उससे सलाह तो कर ली होती मेहता साहब को चिट्ठी लिखने से पहले। अरे इसमें सलाह करने वाली कौन सी बात है, घर परिवार अपना देखा भाला है और फिर अपनी रिश्तेदारी में है और लेन देन की बात उनके आने पे खुल जाएगी, अब सलाह के लिए बाकी क्या रहा। इस घर में मेरी राय की कोई वैल्यू है या नहीं, अभी लड़की की उम्र देखिए, पढ़ाई लिखाई तो अभी कंप्लीट नहीं हुई है उसकी। अरे कम से कम उससे तो पूछ लिया होता कि वो भी शादी करना चाहती है कि नहीं। आपको बस स्टॉप पर बेइज्जत करते समय उसने आपसे पूछा था कि पापा आप बेइज्जत होना चाहते हैं कि नहीं, वो इतनी छोटी भी नहीं है कि वो कुछ समझे नहीं। कुछ भी हो मैं मुझे ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों, मेरी रिश्तेदारी में है इसलिए। पता है दद्दू, हमारे घर बहुत दूर के मेहमान आने वाले हैं। अच्छा कितनी दूर के मेहमान आने वाले हैं? मान लो कि वो अपने घर से मॉर्निंग 6 o'clock ट्रेन से चले। ओके। और ट्रेन की स्पीड हो 80 km/h और उन्हें हमारे घर पहुंचने में शाम के 6 बज जाए। अब आप खुद ही निकाल लीजिए कितनी दूरी हुई। अरे माय डियर फ्रेंड तो यूं कहो ना कि वो दूर रहते हैं इसलिए दूर के रिश्तेदार हुए। ना हम उनसे बहुत दूर रहना चाहते हैं इसीलिए। क्या मतलब, मैं नहीं समझा बिल्कुल भी। दादी कहते हैं ऐसे रिश्तेदारों को दूर से ही नमस्कार करना चाहिए ऐसे। दादी ने कहा है जब वो हमारे घर आए तो मैं उनसे दूर दूर ही रहूं। ये दूर के रिश्तेदार, दूर की रिश्तेदारी मेरी समझ में नहीं आई। नहीं आई, उनका नाम है मामा मेहता। मामा मेहता, ओके। वो मम्मी के बहुत दूर के भाई हैं। ओहो कितनी दूर के भाई हैं? बीच में 5 परनानियां और हैं। मम्मी की दादी नंबर 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6 और मामा मेहता की दादी नंबर 7। कुछ समझ में आया? हाँ, आ गया। मामा मेहता के बेटे के साथ अगर कामरी दीदी की शादी हो जाए तो नजदीकी रिश्ता हो जाएगा ना। कामनी की शादी? ओह नो। ओह यस। माफ करना फकीर चंद, तुम्हारे किसी भी जाती मामले में मेरा दखल देना बनता तो नहीं, लेकिन मैं इस घर पर अपना अधिकार समझता हूँ इसलिए मैं तुमसे। क्या बात कर रहे हैं सक्सेना साहब, हमारा बिट्टू आपको दद्दू कहकर बुलाता है और हम भी आपको पिता समान मानते हैं और इसीलिए आपकी इतनी इज्जत और सम्मान करते हैं। आप तो हमारे सर पर रहते हैं और इस घर पर आपको पूरा अधिकार है। आप आइए बैठिए। बैठिए और कहिए क्या कहना चाहते हैं। मैंने सुना है। मैंने भी सुना है। यानी कि जो आप कहना चाहते हैं वो भी मैंने अभी अभी सुना है। यानी कि मुझे अभी अभी पता चला है कि मेरा घर घर नहीं एक अंधेरा तहखाना है जहां एक हाथ को पता नहीं चलता कि दूसरा हाथ क्या कर रहा है। मैं बाप हूं लेकिन मुझे नहीं पता कि इस घर की खबर दूसरे घरों तक कब चली जाती और कब मेरी बेटी बस स्टॉप पर पहुंच जाती और कब मेरी पत्नी मेरे जाने बिना अपने रिश्तेदारों से मेरी बेटी के रिश्ते के लिए चिट्ठी लिख देती है और कब उनका जवाब भी आ जाता है कि हम पधार रहे हैं। मुझे तो लगता है कि मेरे मरने की खबर भी मुझे नहीं मिलेगी। आप सुन रहे हैं ना कैसे दिल जलाने वाली बातें करते हैं ये। फकीर तुम ऐसा क्यों सोचते हो? अब आप ही बताइए सक्सेना साहब, क्या एक पत्नी का फर्ज नहीं है कि वो अपने पति के साथ अपने घर के अहम मामलों पर परामर्श कर सके? हाँ बिल्कुल फर्ज है जी। क्या खाक फर्ज है,
कि मेरी पत्नी मेरी बेटी के रिश्ते के लिए अपने रिश्तेदारों से बात करती है और मुझे पता तक नहीं। और आप जरा बताइए मुझे सक्सेना साहब, वो लड़का ना तो खाता है और ना खुद कमा पाता है, तो क्या अपनी बीवी को खिलाएगा वो? और इन हालातों में अगर उन लोगों ने मुंह फाड़ कर 2-2.5 लाख रुपए दहेज में मांग लिए तो ये फकीर चंद, ये गरीब, ये कहां से ला कर देगा? और लक्ष्मी मैया के साथ भी मेरी कोई जान पहचान नहीं है, मुझे तो ये फिक्र खाया जा रहा है कि ये फकीर चंद का क्या होगा। आप ही बताइए मैं और क्या करती, इतने दिनों से इनका रुदन गान सुनते जा रही हूँ। हाय मेरी बेटी ने मेरी नाक कटवा दी, सारे बाजार मेरी टोपी उतरवा दी, दुनिया त्याग कर बैरागी हो जाऊंगा, सूखा कद्दू ढूंढते फिर रहे। अरे बेटी का घर ठिकाना ढूंढ दिया तो भी इन्हें किसी बात का चैन नहीं है। देश में आने की जरूरत नहीं है, देश में आने से कोई काम नहीं होता है। और फिर फकीर की सोच जायज है, और उस बेचारी से ऐसा क्या गुनाह हो गया था जो तुम सारा दिन उसे कोसती रहती हो और तुमने उसकी शादी का फैसला कर लिया है? वैसे माफ करना, तुम दोनों बेटियां पराया धन होती हैं सक्सेना साहब, और पराया धन को संभाल संभाल कर रखना पड़ता है, अगर ध्यान ना करें तो क्या करें? तुम तो मेरे जमाने की बातें करने लगे हो। अरे भाई आज के जमाने को सोचो, आज के जमाने को देखो। अजी क्या देखें और क्या ना देखें सक्सेना साहब, और क्या तुम बच्चों को देखने से रोकें? चारों ओर चार उंगली के चीथड़े पहनकर मटकती हुई दुनिया नजर आ रही है, और इन रंग बिरंगे चीथड़ों का पर्दा हमारी बेटियों के अकलों पर भी पड़ता जा रहा है। जरा सोचिए, हमारे घरों की इज्जत के चीथड़े उड़ रहे हैं, चीथड़े। घर की शोभा शो पीस बनती जा रही है दिन ब दिन। शो पीस की गुड़िया तो तुम्हें नजर आती है, शान से प्लेन उड़ाती हुई लेडी पायलट नजर नहीं आती तुम्हें है? और फिर तुम दोनों ने ये कामनी को मसला कैसे समझ लिया है, और उस मसले का हल सिर्फ शादी है? ठीक है सक्सेना साहब, अब भी ठीक कह रहे हैं, मगर ये मसला अभी भी मसला ही है। अरे तो मैं भी देख रही हूँ, लेकिन ये अंबिकापुर से मामा मेहता की चिट्ठी है। तो क्या मामा मेहता की चिट्ठी में ठुए होते हैं? ठुए? ये ठुए नहीं समझती, अभी कभी इससे वाल गई होती तो ठुए समझती ना, ये ठुए होते हैं वो ऐसे ऐसे बिच्छू। लेकिन इस चिट्ठी में बिच्छू नहीं था, आपका जहर है, मेरा डेथ वारंट है, मेरी मौत का फरमान है। अच्छा चुप कर जा, चिट्ठी पढ़ने दो। अगर चिरंजीव कमल कांत आयुमती चुप तो कामनी को पसंद कर ले तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। ओहो लगता है तुम पर कोई विपत्ति आने वाली है। आपके प्रस्ताव का सम्मान करते हुए मैं अपनी पत्नी और पुत्र को लेकर आपके ग्रह में पधार रहा हूँ। ग्रह नहीं ग्रह यानी ग्रह तो राहु केतु होते। और ये तुम्हारे मामा हिंदी में चिट्ठी नहीं लिख सकते हा? मुझे इस राहु केतु की छाया से बचा लो आंटी। और ठीक है बचाती हूँ। इधर बैठो फिर बचाती हूँ। शेखर के अलावा और किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती। और शेखर के बारे ही सोचो, मगर जहाँ बैठ तो जाओ, इधर बैठ कर सोचो। मैं जाऊंगी, इस ब्लॉक की पानी वाली टंकी से कूद के जान दे दूंगी। अये रब्बा, ये लो ये कच्ची उम्र की लगियां भी कितनी बेसब्री होती हैं। उधर रकीबो की चिट्ठी घर पहुंची, इधर मेरी बन्नो पानी वाली टंकी से कूदने भी पहुंच गई। और मरे तेरे दुश्मन, तू क्यों मरे? चुप कर, इधर बैठ। देख मेरी बात सुन, तेरा मामा मेहता यहाँ पधारने से पहले सिधार ना गया तो मेरा ना गुरप्रीत नहीं। हाँ बैठ, कुछ सोचते हैं। अच्छा चलो अंदर चल के सोचते हैं। चलो मेरे साथ चलो। कुछ सोचो अंकल। काके सारा रास्ता तू मुझे सुझाता रहा है, आराम से बैठ पाऊंगा तो फिर ही सोच पाऊंगा ना मैं। अंकल आप बैठ चुके हो, प्लीज आप कुछ सोचो ना। सरकारी बाबू का काम कोई भी जल्दी नहीं होता, सोचने और स्कीम बनाने में टाइम लगता है। अब इतना भी टाइम मत लो कि इधर हमारा ही टाइम पूरा हो जाए। देख काके, ऐसी स्कीम सोचेंगे कि सारा मामला हमेशा लिए सेट हो जाए। यस अंकल, ऐसी फुल प्रूफ स्कीम सोचो कि मामा मेहता एंड कंपनी का ऐसा फुल बने कि
मेरे कामनी के फूल जैसे मुखड़े हुए पलट के ना देख सकेंगे। और अगर अंकल ऐसा हो गया ना तो वो पानी वाली टैंकी ना उसमें कूद के हम जान दे देंगे। चुप, 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 वो ट्रेन के नीचे आके हम कट के मर जाएंगे। चुप कर। फिर दुनिया ढूंढती रहेगी मोहब्बत के परवानों को। तू चुप करेगा नहीं मोहब्बत का परवाना? तो आप कुछ सोचते क्यों नहीं हो? सोचते रहा हूं। अपने घर से घर बचावे दूजे दा है ना चला। अरे निजेर खे ओनेर मोश चोड़ाए, निजेर घोर ना बचिए ओनेर घोर बचाते जाए। मन गे उपकारे पूरी गे उपकारे चंद जी।